दोस्तों, हम अपनी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। आपको एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों, हम आप स्टूडेंट्स के लिए यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का पूरा कोर्स तैयार करा रहे हैं और हमने पेपर वन जो है जो कोर इकोनॉमिक्स पेपर है वो स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ पे मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूँ। ये बुक आप मार्केट से बाय कर लीजिएगा, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन बुक होना भी जरूरी है ताकि अगर आपको फर्दर आपको कोई डिटेल पढ़नी हो तो वो आप इस बुक के माध्यम से कर सकते हो। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है आपके सिलेबस में। हालांकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो एचएल आहूजा सर की बुक है वो काफ़ी बल्की टाइप में है, बहुत मोटी है, लेकिन सब कुछ आपको नहीं पढ़ना, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वही चीज़ें आपको डिटेल में अगर पढ़ना हो तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी का नोट्स के थ्रू मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करा दूंगा, सारा का सारा कंटेंट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप सबसे पहले तैयार कीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही बेस आपका तैयार होगा। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको बेस तैयार करना पड़ेगा, तो मैं बेस तैयार कराने की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कीजिएगा, उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको आप फ्रियॉन की बुक यूज़ कर सकते हो, अच्छी बुक है। हालांकि फ्रियॉन की बुक में कुछ टॉपिक्स नहीं दिए हुए, वो आप उसके लिए आप एच एल आहूजा सर की बुक यूज़ कर सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये वाली जो बुक है ये आपके मनी बैंकिंग में भी काम आने वाली है। हालांकि मनी बैंकिंग के लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की रीडिंग्स का भी यूज़ किया हुआ है या यूज़ करने का कोशिश करूंगा, लेकिन मनी बैंकिंग का जो कंटेंट है, मतलब ये वाला जो है, ये वाला दिस वन, इसमें आपको मनी बैंकिंग का हिस्सा आपको मिल जाएगा। मनी बैंकिंग इससे कब आपकी कवर हो जाएगी और इसके थ्रू भी आप मनी बैंकिंग का कुछ हिस्सा मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए सल्वाडोर सर की बुक आप ले लीजिए, बिल्कुल अच्छी बुक है, वर्ड टू वर्ड है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, एक दो टॉपिक्स हैं जो नहीं मिलेंगे आपको इसमें, लेकिन वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन इस वाली बुक को आप बिल्कुल बिना किसी चीज़ के फॉलो कर सकते हो, बिना किसी टेंशन के फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा पब्लिक फाइनेंस के लिए हालांकि मसग्रेव एंड मसग्रेव की बुक बहुत अच्छी है, लेकिन मसग्रेव एंड मसग्रेव का जो प्रोस्पेक्टिव है वो इंडियन प्रोस्पेक्टिव नहीं है, वो फॉरेन प्रोस्पेक्टिव से बनाई हुई है। और हमें इंडियन प्रोस्पेक्टिव से पढ़ना है तो आप एच एल भाटिया सर की बुक पब्लिक फाइनेंस का यूज़ आप कर सकते हो। इसके अलावा इकोनॉमिक फॉर डेवलपमेंट के लिए थरीवाल की बुक जो है वो अच्छी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आर के लेखी जी का बुक भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा का सारा बुक्स जो हैं वो आप इकट्ठी कर लीजिए, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप चढ़ाई पे शुरू कर रहे हैं, तो चढ़ने के लिए आपको सबसे पहले हथियारों की, औजारों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब आपके औजार हैं, अमेजोन पे ये आसानी से बुक्स मिल जाएंगी, लगभग 2.5 से 3 हज़ार रुपये में ये सारी की सारी बुक्स मुझे लगता है अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि कुछ बुक्स महंगी भी हैं, जो फॉरेन बुक्स हैं वो थोड़ी सी महंगी मिलेंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आप 2-3-4 हज़ार रुपये में ये सारी की सारी बुक्स आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी। नोट्स जो हैं वो मैं वीडियो कोर्स के अंदर डालता रहूँगा, टेलीग्राम चैनल पर भी हम आपको जो नोट्स हमारे हैं वो अपडेट करते रहेंगे, अपलोड कराते रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बेसिकली आपको ये पेपर वन का ही बुक बनानी थी, पेपर टू के लिए अगर हम बात करें तो पेपर टू के लिए आप उमा कपिला की बुक फॉलो कर सकते हो। उमा कपिला के अलावा कई सारे सोर्सेज हैं इंटरनेट के माध्यम से भी, बहुत सारे जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया उनके ब्लॉग्स के थ्रू भी जा सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे भी कर सकते हो, तो उसके बारे में भी हम आगे डिटेल आपको कराते रहेंगे। लेकिन अगर हम पेपर वन से स्टार्ट करा रहे हैं तो पेपर वन के लिए सारी की सारी बुक्स आपको जरूर बाय करनी है। अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो डिटेल में करने के लिए ये बुक्स आपके लिए जरूर आपके पास होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी की सारी बुक्स के साथ ही आप अपनी पढ़ाई को नई ऊंचाई देंगे, नई स्पीड देंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।